हे फ्रीज, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी स्पेनिश ऑमलेट विद वेजिटेबल्स। ये प्योर स्पेनिश नहीं है, क्योंकि प्योर स्पेनिश ऑमलेट में सब्जियों को हम भून के डालते हैं, साथ ही चीज से हम उसका स्टफिंग करते हैं। ये स्पेनिश स्टाइल में इंडियन टेस्ट के साथ है। ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि ये टेस्टी है, हेल्दी है, साथ ही इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए हमने लिया है ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी, गाजर, चॉप्ड ऑनियन, टोमेटो, इन दो हमने अंडे लिए हैं। अंडे को फोड़ के हम एक बर्तन में ले लेंगे। इसमें हम अब ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, ब्लैक पेपर, एंड रेड चिली पाउडर। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब एक दूसरे से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब अंडे में हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी, गाजर, चॉप टोमेटो एंड ऑनियन। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अंडे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब एक पैन को हम गैस पे चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह पैन में फैला लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे और मिक्सर को पैन में डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह पैन में फैला देंगे मिक्सर को। ये अच्छी तरह फैल चुका है। अब इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट्स पकने देंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, वन साइड से ऑमलेट पक चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया। एक प्लेट की हेल्प से हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए, वन साइड से एक हमारा अच्छी तरह पक गया है। अब इसे सेम वे में हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया एंड इसे लो फ्लेम पे कर लिया। अब इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट दूसरे साइड से भी पकने देंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे साइड से भी ऑमलेट पक गया होगा। गैस को हमने ऑफ कर दिया एंड सेम वे में प्लेट की हेल्प से हम इसे फ्लिप कर लेंगे और प्लेट में ले लेंगे। ऑमलेट रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या इसे कट करके सर्व कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मिल सके मेरा रेसिपी सबसे पहले। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ ग्रिल्ड पोटैटो, टोमेटो एंड ऑनियन।